अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजीज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो अभी मैं आपके लिए जो बनाने जा रही हूँ वो है फ्रूट क्रीम चाट। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली मैं आपको बता दूँ। यहाँ आप देखें, पीच मैंने काट के रख लिए, एप्पल ये भी मैंने इस तरीके से चॉप कर लिए, आगे ये केन फ्रूट है, टेन का मिक्स फ्रूट, ये पाइनएप्पल है और ये आप देखें बनानास। साथ ही यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही होंगी, ये खजूर काट के मैंने रख दिए हैं। इसमें डलेगी क्रीम, चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और आखिर में थोड़ा सा हनी। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें पीच डालते हैं। पीच हमारे घर के हैं, बड़े ही फ्रेश, बहुत ही मज़े के। अब इसमें हम डालेंगे एप्पल्स, इसके ऊपर हमने एक केन का जो फ्रूट है वो डाल देना है। अब पाइनएप्पल ये हम डाल देंगे। इनको पहले मैं मिक्स कर लूँ, फिर इसके बाद हम बनानास डालते हैं। अब ये बनानास डाल के इनको भी मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला मैं अभी डालूंगी और कुछ बाद में। देख लें, बहुत थोड़ा सारा, एक दो चुटकी नमक और एक दो चुटकी काली मिर्च है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। ये तो हो गया मिक्स। अब बारी है इसके ऊपर क्रीम की, क्रीम भी डाल दी। ये एक कप फुल मैंने लिया, एक पैक है पूरा। अभी इसको मिक्स करते हैं। और जी हमारी फ्रूट क्रीम चाट तैयार है। बहुत इजी, बहुत जल्दी टाइम में बनने वाली चीज़ है। और अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इसे मैं इस डिश में डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर ये जो खजूर मैंने काट के रखी थी वो हम डाल देते हैं। घर में जो भी फ्रूट अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें। खरबूजा भी डाल सकते हैं, मैंगोज, अंगूर, जो जो फल हो। कुछ देर काट के रखी हैं, जुड़ गई हैं। बहरहाल हमारी डिश रेडी। इसमें आपने देखा मैंने कोई भी किसी भी तरह की मीठी चीज़ नहीं डाली, इसलिए मैं सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से शहद डालूंगी। अब ये बिल्कुल एक दो चुटकी इसके ऊपर हम डाल देंगे चाट मसाले का। ये हमारी फ्रूट चाट तैयार है। आप ये बनाएं, इफ्तार में खाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत फ्रेश, बहुत मज़ेदार, क्रीमी सी। जब भी खाएं मुझे याद रखें और दुआ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।